मतलब लाइटिंग तो यार हर जगह जबरदस्त की गई है, और लाइटिंग घूमना तो सुबह इधर देखिए पंडाल पहले देखिए कितना खूबसूरत तरीके से। भाई क्या हाल है सभी के, बनारसी अगस्त के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग खड़े हैं कष्टभंजन हनुमान मंदिर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कष्टभंजन हनुमान मंदिर ही है, लेकिन उसका शेप दिया गया पंडाल तैयार किया उसी मंदिर की तरह, जैसे कि मैंने वीडियो डाला था मच्छुद्री का कि यहाँ कष्टभंजन हनुमान मंदिर का पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है। तो वहीं चले आए हम अभी, जैसे कि आज सप्तमी है, अष्टमी लग गया मान लीजिए, तो अभी आपको अंदर लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे माता रानी का, ऊपर समझ लीजिए हनुमान जी है नीचे, अंदर माता रानी का दर्शन कराएंगे। और जैसे कि पंडालों की अगर बात आती है ना, तो कुछ कुछ पंडाल बनारस में जैसे कि मैं बताया कि फेमस है, उसमें इनका नाम भी आता है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो यहाँ का डाल रहा हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 3:15, 3:15 बजे आप रौनक देख सकते हैं यहाँ पे, कैसी रौनक है देख सकते हैं, देखिए भीड़ भाड़ पूरा है। और ये समय दुर्गा पूजा वाला बहुत अच्छा समय होता है, तो इस बार मेरे को बस यही बार हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा इस चीज़ ये लगा कि यार लोग खुल के जो निकल रहे हैं ना, बिंदास निकल रहे हैं ना, कोरोना का जो डर वो थोड़ा खत्म हो गया, और काफ़ी मतलब इस बार भीड़ भाड़ देखा कि फैमिली के लोग भी, फैमिलियर भी लोग निकल रहे हैं, औरतें निकले, बच्चे निकल रहे हैं, ये अच्छा मेरे को लगा। तो बहुत ज़्यादा हम बोल देते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चल के दर्शन कराते हैं माता रानी के। लाइटिंग तो ज़बरदस्त की गई है इधर की, मतलब लाइटिंग तो यार हर जगह ज़बरदस्त की गई है, और लाइटिंग घूमना तो सुबह इधर देखिए पंडाल पहले देखिए कितना खूबसूरत तरीके से। ये पंडाल जो आप देख रहे हैं मच्छुद्री का पंडाल है, मच्छुद्री बाबा मच्छुद्री नाथ दुर्गोत्सव समिति। और इधर कुटकी भी बहुत ज्यादा है, इधर देख सकते हैं दिवाली आई तबे जाई। अंदर माता रानी का दर्शन कराते हैं, और जैसे कि जब मैं आया था तो मैंने एक चीज़ बताई, कलर कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है यहाँ पे, उसी समय काम चल रहा था। और अभी ये अच्छा, ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी कि बनारस में सबसे पहले मच्छुद्री पंडाल बन के तैयार होता है, और पंचमी से यहाँ दर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए तो जैसे कि कष्टभंजन हनुमान मंदिर का पंडाल उसी शेप में पूरा बनाया, तो इधर देखिए पूरा हनुमान जी को दर्शाया गया है। हनुमान जी के अलग अलग रूप को यहाँ दिखाया गया है। अलग अलग समय के तो देखिए इसमें राम जी, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी है, ये भरत जी जब खड़ाऊँ लेके जाते हैं उनका, उस चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। और शिव पार्वती जी इधर बजरंग बली जी हैं, और आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। जय हो माई, तो यहाँ देखिए कलश पांचवें दिन से ही बैठ जाता है नवरात्र के, और दशमी को फिर हटता है। बहुत
देखिए कितना प्यारा फोटो है। तो अभी आपने जहाँ दर्शन किया ये है मच्छुद्री का पंडाल, और सबसे पहले बनारस में दर्शन यहीं के होते हैं, पांचवें दिन से यहाँ दर्शन स्टार्ट हो जाता है। और इस बार कॉन्सेप्ट दिया गया था कष्टभंजन हनुमान मंदिर का, जो कष्टभंजन हनुमान मंदिर उसी को यहाँ कॉन्सेप्ट उसको नजर में रखते हुए वैसा यहाँ पंडाल तैयार किया गया था, और जो कि बहुत ही भव्य तरीके से काफ़ी अच्छा बना है। एक चीज़ बताना चाहेंगे, लोग जैसे कि देख रहे हैं सोच रहे हैं जज कर ले रही है अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मात्राएं तो हर जगह है यार, हाँ दर्शन हर जगह करना चाहिए। और एक चीज़ और क्या है कि इस बार क्या है ना, इस बार बनारस में बहुत ज़्यादा उत्साह है दुर्गा पूजा को लेके, तो इस बार पूरा कॉन्सेप्ट अब देखेंगे ज़्यादातर मंदिर के ऊपर है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका बना सनातन धर्म में, पशुपतिनाथ मंदिर शायद बना हथुआ मार्केट में कन्फर्म नहीं, लेकिन वहाँ भी पशुपतिनाथ मंदिर ही बना है। अभी हम लोग अभी केदारनाथ बनाए पड़ाव में, यहाँ कष्टभंजन हनुमान मंदिर बना, राम मंदिर बना है, तो मंदिरों के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, उसमें लोग जज करने लग रहे हैं अच्छा है कि बुरा, जज नहीं करना चाहिए। बाकी दुर्गा पूजा को लेकर बहुत उत्साह है, आप लोग भी आइए घूमिए मजे से एकदम बनारस में भाई। बनारसी अगर का चैनल देखते रहिए, ऐसे ही लव यू प्यार बोलते रहिए, हर हर महादेव, जय सिया राम।